कि इस गाड़ी के अलावा कोई बोलता ना कि इसी रेट में मैं आपको थार दे रहा हूँ, मैं वो भी नहीं ले पाता। वही तो चीजें हैं भाई, अब बेस वेरिएंट बेस जैसा रह कहाँ गया है। मैंने इसको ओपन किया था तो भाई मुझे फील हुआ था किसी हैवी गाड़ी का, मैं देखो मारुति गाड़ी को कभी नहीं बोलता ऐसे जी, लेकिन मुझे वाकई फील हुआ कि यार इसका ना ट्रंक जो है काफी हैवी सा फील हुआ। हमने सोचा था बलिनो लेने का, पर बलिनो ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी थी, थोड़ा सा लुक वाइज भी पुराना हो चुका था। जिसके पास 15 लाख रुपए है वो जाके टॉप मॉडल भी ला सकता है, पर जिसके पास भैया 15 लाख है ही नहीं, वो टॉप मॉडल या तो बनवा सकता है या तो उसको कस्टमाइज कर सकता है। मैं बोलूंगा बलिनो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये मारुति की सबसे ज्यादा सेफेस्ट गाड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी मारुति के जो सीईओ है वो खुद कह रहा है कि अगर ग्रैंड विटारा और एक तरफ इसको खड़ी कर दोगे ना, सिर्फ 19-20 का फर्क है साइज में और कुछ भी फर्क नहीं आता भैया। वैसे तो ये गाड़ी में अभी वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, अगर आप सही शोरूम में चले आते और सही पर्सन आपको मिलता है तो। ये गाड़ी जो अभी है दिल्ली की पहली बेस मॉडल है, मैंने अच्छा? पता किया था, 2.5 लाख छोड़ो, 1 लाख में डेल्टा प्लस से क्या अल्फा बन जाएगी भैया पूरी पूरी अल्फा। सिर्फ एक दिन का टाइम लगा मुझे और उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बच गए। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके हूँ आपके लिए सामने, देख लो भाई मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, हाल ही में गाड़ी लॉन्च हुई है और भाई डिलीवरी भी मिलने लग गई है। तो मेनली क्या है कि इस गाड़ी का आज हम एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू करेंगे, इसके ओनर हमारे साथ बने, उनसे बात करेंगे भाई कौन सा वेरिएंट है, कब उन्होंने लिया, कितने में उनको पड़ी है, और मेन बात है यार वही अपनी वीडियो में जो होती है कि फ्रोंक्स ही क्यों ली है। सामने से आप देखोगे भाई बिल्कुल ग्रैंड विटारा वाला लुक देती है और थोड़ी थोड़ी बलिनो की भी फीलिंग आपको देगी। तो जिसको भाई पसंद ग्रैंड विटारा है लेकिन थोड़ा बजट का इशू है तो भाई अच्छा ऑप्शन है कि आप फ्रोंक्स पे जा सकते हो। और मैं तो कहता हूँ भाई अगर कोई बंदा बलिनो के लिए सोच रहा है ना, तो मेरी एक राय रहेगी एक बार ना यार फ्रोंक्स को जरूर देखो क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी है। और आज की वीडियो में डिटेल्ड में बात करेंगे भाई ओनर से क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो अगर आप फ्रोंक्स का प्लान कर रहे हैं। तो भाई ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे इनके ओनर के पास चलते हैं। तो कैसे हो भैया? बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार। नाम बता दो पहले। मेरा नाम भैया किशन तिवारी है, दिल्ली से हूं मैं, और ऑटोनिक नाम सुना होगा आपने, वो अपनी पूरी फर्म है जिसमें सारा अपना काम होता है। आज भैया ने लिए भाई मारुति सुजुकी फ्रोंक्स, तो इसका हम ओनरशिप रिव्यू करने आ गए भैया के साथ। भैया का ऑटो यूनिक करके एक स्टूडियो है, कहाँ पड़ता है भैया? भैया सेंट्रल दिल्ली में है, न्यू रोहतक रोड पे पड़ता है, करोल बाग से 1 किलोमीटर पहले। तो उसमें क्या क्या काम होता है? उसमें भी स्पेशली पीपीएफ सेरेमिक कोटिंग से लेके इसकी पूरी बेस से टॉप वाला, और प्लस अपने पास जो स्पेशलिटी है ना, मैं आपको वो भी बताया था, अपने पास पूरा इंटीरियर चेंज होता है। अच्छा। यानी कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। ओके। जैसे कि ये कहते हैं ना, आप अपने हिसाब से अपने शरीर को डालते, वैसे अपनी गाड़ी को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये कौन सा वेरिएंट लिया है आपने? ये भी है बेस मॉडल है जिसको सिग्मा कहते हैं स्पेशली। अच्छा, बेस वेरिएंट लिया है जी। तो आपका तो बेस वेरिएंट लेना बनता भी था बनता था भैया, स्पेशली आपको पता ही है। हाँ। पूरी गाड़ी अपने हिसाब से करेंगे और फर्स्ट टाइम इन इंडिया काफी सारी चीजें इसमें ऐसा करेगा जो आज तक ना कभी हुई है और शायद हो सकता है होगी आगे जाके, क्योंकि एक बार जो चीज हो गई वो तो दूसरी बार होनी है। तो होती रहती पर है। पहली बार तो पहली बार रहता है। और इस वीडियो में वो सारी चीजें हम कवर करने वाले। चलो मुझे बताओ कितने में पड़ी आपको ये? भैया ये गाड़ी 7,46,500 रुपए आपका एक्सशोरूम है, और ये मुझे जो पड़ी है ऑन रोड 8,38 की पड़ी है। सिर्फ 8,38,000 सिर्फ क्यों बोला आपने? सिर्फ इसलिए बोला भैया, आप किसी भी शोरूम पे चले जाओ 8,90 से नीचे नहीं मिल पाएगी किसी भी शोरूम पे। अच्छा 8,90, तो आप बता दो फिर कैसे 8,38 की पड़ गई आपको? भैया सबसे पहले थोड़ा सा इंश्योरेंस है, हम सुनते बहुत ज्यादा है कि इंश्योरेंस आप अपने हिसाब से लो, अपने हिसाब से करो, पर जब हम गाड़ी लेते हैं ना, मेरी ये राय है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम इंश्योरेंस कुछ देखते नहीं है, गाड़ी वाड़ी का कुछ देखते नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा बाहर भी देखा इंश्योरेंस क्या है, फिर बाहर सारा कंपेयर किया, सिर्फ एक दिन का टाइम लगा मुझे और उसमें लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए मेरे एक्स्ट्रा बच गए। इंश्योरेंस मैंने कंपनी से कराया है, ऐसा नहीं बाहर से कराया, कंपनी से कराया है, पर जिस कंपनी से कंपनी चाहती थी उसने मैंने किसी और कंपनी से कराया, वो रीजन से मुझे थोड़ा इंश्योरेंस में पैसा बचा। फिर कुछ चीजें और है जिसमें एसेसरी वगैरह में काफी पैसा। अच्छा, मैंने देखा है कि कंपनी एक्सेसरीज तो दे ही रही है, तो आपने एक्सेसरीज नहीं लिए हैं? कुछ भी नहीं लिया, एक पिन तक इसमें नहीं लिया। एक चीज है 555 रुपए कंपनी ने जबरदस्ती ले ली है, बस उसकी एक्सेसरी ले ली। वो किस बात के लिए ली है? मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी है, आप टायर नीचे देखोगे ना तो इसके ऊपर चैसिस रबर लगे हुए है, मतलब गुदे हुए है, वो यहाँ पर है, इसके 550 रुपए सिर्फ इसके लिए है। और बल्कि हमें अगर 17 इंच करा रहे, हमने बोला भी था इसकी जरूरत ही नहीं, अब क्या करेंगे इसका, पर बस एक जबरदस्ती वाली बात थी। ये चीज मैं समझा नहीं कैसे, मतलब भैया जैसे इसका जो चैसिस रबर है ना जो गाड़ी का है, वो चारों टायर बेल्ट डाल के दिया कंपनी ने। अच्छा, तो इससे क्या बेनिफिट है? इससे बस ये बेनिफिट है, उन्होंने बताया हमें, जो उन्होंने बताया उनके मतलब से, वैसे इसका बेनिफिट तो कुछ नहीं है, 2 रुपए का स्टैम्प जो लगा दिया है। हाँ। इसके 550 रुपए लिए। बेनिफिट क्या है कि जैसे उन्होंने बताया कि अगर जब लेके आती है गाड़ी तो कोई टायर चेंज ना करे, या सर्विस सेंटर पे आते हैं तो कोई टायर चेंज ना करे, आपके चेसिस नंबर के सेम टायर लगे। अच्छा अच्छा, ये अच्छा, ये बताओ बेस वेरिएंट का कैसे मन बना? क्योंकि देखो वैसे तो मुझे पता है बेस वेरिएंट का मन कैसे बना, क्योंकि आपका स्टूडियो आपका है कि भाई आपको आपका YouTube चैनल भी है, तो इसमें काम करें ताकि थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आए क्या क्या काम करा सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में भी इसका जो वर्थ वेरिएंट है वो डेल्टा प्लस लगता है मुझे, क्योंकि सारी चीजें ओवरऑल मिल जाती हैं। आई एग्री भैया।
तो आपका फिर बताओ जरा कैसे बना भैया। आज जो है मतलब पिछले आप सवा साल में देख रहे हो, फरवरी 2022 से लेके आज तक लगभग हमारा रिकॉर्ड है, लगभग 2 से 2500 गाड़ियां हमने बलिटो बनाई है, जो बेस से टॉप मॉडल भी बनाई है, कस्टमाइज भी की है, टॉप मॉडल में भी पूरा काम किया है और टॉप मॉडल में भी हमारा 50-50 हजार रुपए का काम हुआ है। अब कोई पैसा खर्च कर रहा है तो ऐसा नहीं कि फ्री में पैसा देके जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, मैं भी कहीं पैसा देके जा रहा हूँ, कोई भी देके जा रहा है तो उसका वर्थ लेके जाएगा अपना। तो 50,000 रुपए में उनको उनका वर्थ दिया है, जैसा वो चाहते थे अपनी गाड़ी में, कुछ चीज ऐसी जो वो चाहते थे, कुछ चीज ऐसी जो उससे भी ज्यादा बेटर उनको दिया गया। तो वैसे ही हमने सोचा था बलिनो लेने का, पर बलिनो ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी थी, थोड़ा सा लुक वाइज भी पुराना हो चुका था और नया इसके साथ फ्रॉन्क्स था। हमने पिछले 4 महीने जब ऑटो एक्सपो में फर्स्ट टाइम ये गाड़ी आई थी तभी हमने वहां पे ये गाड़ी देख ली थी, और जितने भी गाड़ी लवर है वो ऑटो एक्सपो जरूर गए थे और वहीं से मैंने इस गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। आज एक दिन का प्लान नहीं है ये, और ऑलरेडी इस गाड़ी को मैं 3 महीने से पूरा जज कर रहा था, एक एक चीज, ग्राउंड क्लीयरेंस, पेट्रोल, माइलेज, हर एक चीज इसकी इतनी मतलब डिटेल में देखा था कि इस गाड़ी के अलावा कोई बोलता ना कि इसी रेट में मैं आपको थार दे रहा हूं, मैं वो भी नहीं ले पाता इतनी मस्त मतलब मजा आ गया, गाड़ी इतना शानदार है। और जैसे आपने बताया बलिनो से ज्यादा अच्छा है, कोई बलिनो देख रहा तो ये ले सकता है, मैं बोलूंगा बलिनो इसके सामने कुछ भी नहीं है। हो सकता है माइलेज में बस 1-2 किलोमीटर का फर्क पड़े, पर ग्राउंड क्लीयरेंस से लेके आगे का लुक देख लो, पीछे का देख लो, अंदर सिटिंग देख लो, रोड पे रोड प्रेजेंट देख लो, हर चीज उससे ज्यादा अच्छी। अच्छा मेन बात ये भी है ना, बलिनो आप ले रहे हो ठीक है, लेकिन उससे अच्छा जैसे आपने बोला ग्राउंड क्लीयरेंस है और भाई विड्थ भी बढ़ाई है, सब चीजें बढ़ा दी गई है, बूट स्पेस भी थोड़ा सा एनहांस किया है पहले से, तो उस हिसाब से देखें तो प्राइस में भी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बंदा क्या सोचता है कि यार इस पे जा रहे हैं प्राइस बहुत आई है बलिनो ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है। आई एग्री भैया, और जैसे मैंने आपको प्राइस बताया 8-38 की पड़ी है, दिल्ली में 7-90 के आसपास बलिनो आराम से मिलती है, क्या बड़ा भी है डिफरेंस 40-45। तो भाई बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा सामने के लुक्स पे जैसे बात हो रही है इसकी के भाई ग्रैंड विटारा लगती है, छोटी ग्रैंड विटारा, तो उसको भी बोलना चाहोगे? उस पे भी सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिन लोगों को मतलब बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है ऑलरेडी वो ले सकते हैं, बाकी एक प्राइस रेंज एक सेक्टर होता है उसमें अगर जाना चाहते हो तो ये बेस्ट है। बाकी अगर ग्रैंड विटारा और एक तरफ इसको खड़ी कर दोगे ना, सिर्फ 19-20 का फर्क है साइज में, और कुछ भी फर्क नहीं आता, ना पीछे से ना आगे से, ये भी सेम आता है, ये भी सेम आता है, सब कुछ सेम आता है। और मुझे लग रहा है जब इसके अपर वेरिएंट्स लेंगे जैसे डेल्टा प्लस, तो उसका तो बिल्कुल ही सेम सा लगता है ग्रैंड विटारा पूरा, ये आपका डीआरएल डेल्टा प्लस में जो ग्रैंड विटारा में आता है वही होता है, और ये आपका एज इट इज होता है। मैं फर्क भी आपको बताया था भैया, सिर्फ 7,000 रुपए का फर्क है। अच्छा, अपर वेरिएंट का आपको लास्ट में भी बताऊंगा क्यों नहीं लिया मैंने अपर वेरिएंट, 10,85,000 70-75 हजार के आसपास हुआ है, और इसने 8-85 में लगभग 2.5 लाख हो गया भैया, 2.5 लाख छोड़ो 1 लाख में डेल्टा प्लस से क्या अल्फा बन जाएगी भैया, पूरी पूरी अल्फा। इसमें जैसे ये व्हील कवर्स में देख रहे हो, ये डलवाए थे या डले? नहीं भैया, ये इसके बेस मॉडल से ही आ रहा है, ये बलिनो में भी नहीं देती कंपनी, तो ये एक एड ऑन पार्ट है जो बहुत अच्छा मुझे लगा। हाँ, ये चीज़ अच्छी लगती है। हाँ, बहुत बढ़िया लगा भैया मुझे तो, रिम के साथ बड़ा खाली खाली सा फील होता है। हाँ भैया, सिंपल ये भी एक पिन से लेके कुछ भी इसमें नहीं लिया गया, इससे सबसे बड़ी वजह है कि अपना जो हमारा एक तो ऑटो यूनिक कार डिटेलिंग करके हमारा जो स्टूडियो वो है, उससे भी खास बड़ा है कि कंपनी की जितनी चीज होती है नो डाउट वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, पर कंपनी में जो है भैया वो थोड़ा प्राइस जो है ना वो वही चीजें बाहर आपको ज्यादा अच्छा मिल जाता है, मतलब वही चीज में आप देखोगे यूट्यूब पे भी चेक करोगे ना, मैं नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई 25% दे रहा, कोई 30%, कोई 40-40% डिस्काउंट मिल जाता है, यही रीजन है कंपनी से लेना वर्थ ही नहीं भैया, 100 रुपए की चीज 60 रुपए में मिल रही है तो कितना, और सेम ही चीज मिल, सेम चीज है एज इट इज वही चीज है, तो जरूरी ये है कंपनी से ना लेके हमने इसलिए बाहर से। अच्छा तिवारी जी, एक चीज मुझे इसमें दिख रही है और बहुत यूनिक दिख रही है, जैसे आपका नाम है ना ऑटो यूनिक, ऐसे यूनिक दिख रही है जी, वो है इसके ORVM। हाँ। भाई देखो बेस वेरिएंट में ऐसे तो नहीं मिलते होंगे, ऐसे एज इट इज नहीं मिलते भी, तो बताओ जरा इसकी कहानी। मैं बताने से पहले आपको दिखा देता हूँ अंदर की तरफ, अभी रखे हुए इसके, इसलिए हम साथ में लेके आए हैं। आप देखो भैया यहाँ पे ये आते हैं इसके मिरर, सिर्फ ये आते हैं क्योंकि बेस मॉडल इससे और इससे ही पहचान होती है कि बेस मॉडल। बिल्कुल बिल्कुल, ये एज इट इज सिर्फ अभी यही चेंज हुआ है क्योंकि इसको भी अब फर्स्ट टाइम इन इंडिया करना था, तो इसलिए ये अभी बस सुबह सुबह चेंज हो गया, ये हटके और ये लग गए, ये टॉप मॉडल वाला, ये टॉप मॉडल वाला हो गया। और मैं आपको इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ है, आपको मैं और दिखा देता हूँ इसमें क्या, इसमें ऐसे अट्रैक्टिव क्या चीज हो गई है। अभी गाड़ी खुली हुई है यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको लॉक करूंगा एज इट इज ये भी इंडिकेटर चल रहा है, ये भी चल रहा है, अनलॉक करने पे ये भी लॉक अनलॉक हो गया। इसके बाद एक चीज और दिखा देता हूँ सामने से, यहाँ से ये मैं आपको अल्फा वाला फीचर दे रहा हूँ भैया, सिर्फ अल्फा में आता है, ना तो जेटा में आता है, ना डेल्टा प्लस में आता है, ना डेल्टा में आता है, और सिग्मा में तो वैसे ही नहीं आता, जो डेल्टा और जेटा में आता है वो ये फीचर आता है सिर्फ।
आपके यहाँ से वो चलता है ये okay. तो फीचर ऑलरेडी है ही, अल्फा वाला है एज इट इज, वो फीचर वाला और आ गया okay. ये मारुति ने अपने आप को और जैसे थोड़ा अपडेट किया है। ये फीचर पहले ज्यादातर किया में आता था, क्रेटा वैसे हुंडई वगैरह में आता था, तो एक कहते हैं ना टाइम के साथ चेंज करना पड़ता है, वैसे मारुति अपने आप को चेंज कर रही है, तो नो डाउट बहुत अच्छा अच्छी बात है ये, बिल्कुल छोटे छोटे फीचर से ही और ज्यादा अपने आप को मारुति अपडेट कर पा रही है। अच्छा आपने ये बताओ, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ गाड़ियों पर वेटिंग बहुत रहती है, तो आपने कब बुक की और कितना टाइम आपको दिया गया और कितने टाइम में उन्होंने आपको डिलीवरी दे दी? भैया वैसे तो ये गाड़ी में अभी वेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, अगर आप सही शोरूम में चले जाते और सही पर्सन आपको मिलता है तो। दिल्ली में से आप गाड़ी, अगर आप दिल्ली में भी है ना, दिल्ली में से आप कम गाड़ी लो, मैं खुद अपनी रिकमेंड दूंगा आपको, क्योंकि मुझे लगभग 10-12 दिन लग गए दिल्ली में लेने की वजह से। जब मैंने बुकिंग करा दी थी लगभग 90% पेमेंट मेरे जा चुकी थी, जो पेमेंट मैंने की थी उसमें से मेरे पास गाड़ी सामने खड़ी थी, मतलब उनका ले जाओ आप अभी, और एक दो नहीं कई शोरूम में गुड़गांव हो गया नोएडा में आपको हैंड टू हैंड गाड़ी दे रहे हैं, इस टाइम पे कोई बुकिंग नहीं है, दिल्ली में भी कोई बुकिंग नहीं है। दिल्ली में बस ये है एक ना, मतलब एक अट्रैक्शन पॉइंट बना रखा है कि वेटिंग है वेटिंग है वेटिंग है, जिसके चक्कर में आप कराओ, हाँ एक थोड़ा एजेंसी क्रिएट कर रखी है और कुछ नहीं है भैया, और आप जब जाओगे ना तो गाड़ी देंगे बाहर आपको, हम बुला बुला के गाड़ी देंगे, अभी जीरो वेटिंग है इसके अंदर। फिर भी मतलब आप गए और गाड़ी ले आए? 12 दिन लगा था भैया। अच्छा 12 दिन के बाद, क्योंकि शोरूम में गाड़ी आ ही नहीं पा रही थी, ये रीजन था। बाकी बाहर मैंने दिल्ली से बाहर गुड़गांव में देखा था कि गाड़ी खड़ी थी, एक नहीं तीन तीन चार चार गाड़ियां खड़ी थी गुड़गांव में, अपना एक जो अपना शोरूम है सेक्टर 16 के आसपास, वहां पे गाड़ी तीन गाड़ियां खड़ी थी बेस मॉडल, जिसमें एक मॉडल ये भी था। अब यहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी थी, इस चक्कर में थोड़ा सा यहाँ करना पड़ा, बाकी नहीं तो हम उसी दिन ले आते, आज से 1 तारीख को ले आते, 1 तारीख को। ये गाड़ी जो भैया दिल्ली की पहली बेस मॉडल है, मैंने अच्छा? पता किया था जिस शोरूम से मैंने लिया था वहां पे भी, एक परपड़गंज में शोरूम है वहां से भी पहली बेस मॉडल दिल्ली की पूरी। अच्छा दिल्ली की पहली बेस मॉडल है जिसकी डिलीवरी ली गई है फ्रॉन्क्स, अपना गुड़गांव हो गया नोएडा हो गया वहां पे काफी सारी गाड़ियां निकल चुकी है, अभी दिल्ली पे कोई भी गाड़ी नहीं निकली। अच्छा इसमें आप क्या क्या चेंज करने वाले हो? अभी जैसे मैं डोर हैंडल्स देख रहा हूँ वो भी ब्लैक पड़े हैं मैट वाले। भैया आपको मैं सारी चीजें तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, लगभग हमें इसके लिए सिर्फ कम से कम 15 दिन से 1 महीने का टाइम लगेगा। सबसे पहले ये गाड़ी आज शाम को पीपीएफ के लिए खुल जाएगी, पूरी गाड़ी उसमें खुलती है, ये भी खुल जाएगा, ये पूरा पार्ट उसमें खुलेगा, एक एक चीज जो कोना कोना हैंडल वगैरह सब कुछ खुलेगी, क्योंकि पीपीएफ कराने का सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये गाड़ी ऑलरेडी नेक्सा ब्लू कलर में जो है बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और उतनी ज्यादा ही गंदी होती है धूप में, अगर आप दिन भर खड़ी रखोगे। डार्क कलर है ना? डार्क कलर है भैया, और थोड़ा सा ना ये गाड़ी रात को बहुत ज्यादा, मतलब रात को ऐसे ब्लैक कलर में लगती है गाड़ी, तो ये रीजन है। तो आज पीपीएफ होगी, उसके बाद मिरर ऑलरेडी हो चुके हैं, सिस्टम में 360 जैसा सबसे हायर सिस्टम आता है 10.3 इंच का, वो लगने वाला है इसके अंदर, मतलब अभी तो भैया बहुत सारी चीजें होने वाली है, धीरे धीरे कवर करें धीरे धीरे, मतलब ये इस बात की पक्की है कि कोई भी भाई अगर यूट्यूब से है तो उनके लिए ना, मतलब ये पक्का है कि ये गाड़ी देखने के बाद ना बोलेगा यार ऐसी गाड़ी बनानी है अगर हमने भी गाड़ी लेनी है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है भैया, दिल्ली की पहली गाड़ी है, ऑटोनिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, हमारे पास लोग कोलकाता तक से आए हुए हैं, हमारे पास लोग बैंगलोर तक से आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से भी लोग आए हुए हैं, एक हमारा चाइना बॉर्डर से पंच लेके आए हुए हैं पिछले साल ही। अच्छा चाइना बॉर्डर से। आप चाहे जाके ना चैनल पे ऑलरेडी सबकी वीडियोस डली हुई है, अब तक ज्यादातर इतनी वीडियो नहीं है पर ऑलरेडी सबकी वीडियो 300 वीडियोस में सबकी डली हुई है पिछले 1 साल के अंदर। तो इतनी दूर से आए तो अपनी गाड़ी को कैसे छोड़ेंगे भैया? बिल्कुल सही बात है। अब जरा पीछे का लुक यार क्या बात है, कमाल लग रहा है मुझे। सबसे पहले ये बताओ पीछे का जो डिफ्यूजर जिसे हम स्किड प्लेट भी बोलते हैं ये लगा हुआ आया था या लगाया था? सब कुछ लगा हुआ आया था, अभी कुछ नहीं लगा हुई है ये बेस मॉडल में। ये तो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है भैया, रूफ रेल कंपनी बेस मॉडल से दे रही है, शार्क वारंटी ना बेस मॉडल से लगा हुआ है, ये आप सोचिए, ये हर एक चीज लगा हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग मैं बता देता हूँ जो इसके अंदर है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है भैया। उस चक्कर में तो ये गाड़ी सबसे ज्यादा वर्थिड है, बेस मॉडल सबसे ज्यादा वर्थिड है, इससे ऊपर आती है ब्रेजा, उसमें नहीं आता। ओके ब्रेजा जो 9.5 लाख रुपए करीब मिलते हैं उसमें नहीं मिलता, ऑटोमेटिक इसके अंदर है। अच्छा तिवारी जी जैसे बोल रहे हैं कि भाई आगे से ग्रैंड विटारा, साइड लुक से बलिनो, लेकिन पीछे से तो ये कोई ऐसी मारुति गाड़ी अभी तक लॉन्च नहीं हुई भैया। ये वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है, ये जो टेल लाइट है इतनी बस लगती है, बाकी ये पीछे से कुछ अलग ही है। हाँ बिल्कुल यूनिक है, और भाई रोड कितनी कर दी है ना, हाँ एक अलग ही लुक देती है भैया, पूरा पीछे से ना अलग ही दे रहा है, जैसे ज्यादातर आपकी ऑडी के जितने मॉडल आते हैं ना उस तरीके से पूरा पीछे से डाला गया है। और भाई एक और चीज मैं बता देता हूँ, इसमें आपको डिफोगर मिल रहे हैं यार, मतलब वाइपर नहीं है चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस एंड में अगर डिफोगर जैसी चीजें मिल रही है तो काफी अच्छी चीज है। देखो भाई रूफ रेल्स हो गए हैं, शार्क फिन एंटीना हो गया, डिफोगर हो गए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे डिफ्यूजर, क्या क्या चीजें इसमें बेस एंड में डाल दी गई है। तो भाई मारुति ना कुछ अलग और कुछ हटके कर रही है, Agree. और कमाल तो कर ही रही है, क्योंकि एक से एक नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है। अब जरा बूट स्पेस जरा चेक करते हैं थोड़ा सा, तो इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है ना? हाँ भैया इसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी है, और ये आपका अनलॉक करते ही की से चाहे अनलॉक करो चाहे वहां से करो आपका बूट। अच्छा एक चीज और पहले मैं इसे दिखा देता हूँ, मैंने जो अभी वहां पे खड़ी हुई थी स्टूडियो पे, तो मैंने इसको ओपन किया था,
तो भाई मुझे फील हुआ था किसी हैवी गाड़ी का, मैं देखो मारुति गाड़ी को कभी नहीं बोलता ऐसे जी, लेकिन मुझे वाकई फील हुआ कि यार इसका ना ट्रंक जो है काफी हैवी सा फील हुआ। ग्रैंड विटारा और आपका ब्रिज़ा जो है वैसा सिंपल पर आया गया, बलेनो से बिल्कुल डिफरेंट है ये, बिल्कुल डिफरेंट है भैया, क्योंकि आपको फील हुआ है कि कुछ सेफ्टी में इंप्रूवमेंट है। भैया ये मारुति की सबसे ज्यादा सेफेस्ट गाड़ी है, ये मैं नहीं कह रहा, आपकी मारुति के जो सीईओ है वो खुद कह रहे हैं। तो रेटिंग वगैरह कुछ अभी नहीं आई ना? अभी नहीं आई है, बाकी बिल्ड क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट तो है। हाँ। ये देख लो अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, 60-40 का रेशियो मिल जाता है। बूट अगर और आपको ज्यादा बढ़ाना है तो भाई यहाँ से हम ये देखो इसको हम लेटा देंगे और ये बन जाएगा अंदर ही पूरा। ये देख लो भाई बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस बन गया है, बाकी ठीक है, मतलब आप संतुष्ट हो इतने बूट स्पेस से? भैया एग्री, मतलब आप ये कह लो कि ब्रिज़ा में भी ना, आप अगर स्पेस की बात करोगे ना, ब्रिज़ा से नेक्स्ट लेवल इसका स्पेस है। मैं बैठने की फील की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर पांच लोगों को बिठाओ और इसमें पांच लोगों को बिठाओ, उसमें ना ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, इसमें बिल्कुल आराम से बैठेंगे। और इसमें एक चीज और बहुत अच्छी प्लस पॉइंट आ गई है 60-40, हाँ, जिसके चक्कर में आप जितना मर्जी उतना सामान जाके उतना सामान रख सकते हो, एक बंदा बैठ भी सकता है। हाँ, बैठ भी सकता है। चलो अब अंदर बैठ के बात करेंगे, सीट्स को हम अनफोल्ड कर देते हैं। ये देख लो भाई खुलते ही क्या नजारा मिलता है मुझे, ग्रैंड विटारा वाला इंटीरियर, ये जो आपको वाइन कलर में देखने को मिलेगा, लेकिन ये है हार्ड में, आ जाओ भैया बैठो आप जी, और ये फैब्रिक में मिलता है, तो मुझे बिल्कुल भरोसा है कि भाई ये सब चीजें चेंज होने वाली है, मैं सही हूँ? आई एग्री भैया, हमने ऑलरेडी कर दिए भैया, तीन गाड़ियां अभी तक हो चुकी है मॉडिफाई, एक अभी दुकान पे लगी हुई है, दो गाड़ियां शाम को आने वाली है। ओके, आज 9 तारीख है फिर भी तीन गाड़ियां हो चुकी है। चलो इसको रखते हैं पीछे जी, इसमें आपको ना तो म्यूजिक सिस्टम मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बस यही रह गया बोलने के लिए, और तो सब मिलता है यार क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक एसी मिल रहा है, और भाई स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो टिल्ट इसमें भी मिल जाता है जी, एक बार करके दिखा देते हैं, वही तो चीजें हैं भाई, अब बेस वेरिएंट बेस जैसा रह कहां गया है, क्योंकि बेस वेरिएंट्स में इतनी चीजें मिल जा रही हैं आपको, चारों पावर विंडोज, पावर विंडो चारों मिल जाता है, और ये मुझे लग रहा है वन टच डाउन वाला मिल जाता है। हाँ, ये ऑटो मिलता है आपको, क्या बात है यार भाई, देखो टिल्ट ये मिल जाता है, स्टीयरिंग, अच्छा स्टीयरिंग भी चेंज करने वाले हो क्या भैया? स्टीयरिंग इसका कई ऑप्शन है स्टीयरिंग में, मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कहते हैं बेस टू टॉप, पर एक छोटी सी चीज है भैया, जिसके पास 15 लाख रुपए है वो जाके टॉप मॉडल भी ला सकता है, पर जिसके पास भैया 15 लाख है ही नहीं वो टॉप मॉडल या तो बनवा सकता है या तो उसको कस्टमाइज कर सकता है। अब देखो भैया दो चीज है, एक है दाल चावल जो आपको हर हर लोग खा रहे हैं, और एक है भैया कुछ अलग ही शाही पनीर, तो मैं दाल चावल क्यों खाऊंगा अगर मुझे शाही पनीर पसंद है तो इसका स्टीयरिंग भैया मैं टॉप मॉडल भी करके दिखाऊंगा पर कुछ अलग करने वाला। अच्छा, उससे भी कुछ उससे भी कुछ अलग करने वाला, थोड़ा हिंट देता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग आएगा वुडन टाइप का, जैसे आपको लग्जरी गाड़ियों में मिलता है, यहाँ आएगा लेदर रैप, फिर यहाँ पे वुडन आएगा, थोड़ा सा अलग ही आएगा, तीन चार शेड में मिलेंगे, थोड़ा अलग ही आएगा। मैंने बताया ना आपको आज तक ऐसी गाड़ी मतलब बहुत ही रियर आपने देखी होगी वैसी गाड़ी लगने वाली। चलो भाई मुझे ये बताओ कि अंदर से बैठने में जैसे आप चला रहे हो और इसको बोला गया है थोड़ा सा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में रखा गया है, तो बोनेट वगैरह विजिबल होता है चलाते वक्त बहुत अच्छे से दिखता है? मेरी हाइट भी 5-8 के आसपास है, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, फिर भी बहुत आराम से दिखता है। ओके, और कैसा ड्राइविंग कम्फर्ट है? सेम बलेनो जैसा, इंजन भी बलेनो जैसा है, तो स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, तो ये बेस्ट चीज है। ओके, अच्छा पीछे का स्पेस मैंने देखा, जब मैंने डिटेल रिव्यू किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से ड्राइविंग की सीट एडजस्ट की थी उसी हिसाब से मैं पीछे बैठा था जी, और मुझे काफी अच्छा लेग रूम स्पेस मिला था, काफी अच्छा हेड रूम स्पेस मिला था। ये एग्री है, ये है ऐसा, ये है, और स्पेशली मैंने बताया ना आपको ब्रिज़ा से ज्यादा अच्छा इसके अंदर स्पेस है, ये पक्की बात है। चलो एक बार पीछे बैठ के देख लेते हैं जरा। बिल्कुल भैया, चलो यार ये देख लो, ये है कुछ स्पेस, भैया आप बैठो, आप भी बैठते हैं भैया। हाँ बिल्कुल, 5-8 के आसपास है, 5-8, और ये देख लो हेड रूम स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, लेग रूम स्पेस भी बहुत अच्छा है, ये तो भैया बहुत बढ़िया है, ये तो मैं अगर पैर पूरे पूरे नीचे कर लूंगा पूरे खोल लूंगा फिर भी सही है, अगर इसमें 6'2" के आसपास कोई बैठता है तो भी आराम से बैठ जाएगा। बाहर आ जाते हैं और भाई से देखो नेगेटिव्स की तो क्या ही बात करूं, अभी भैया ने गाड़ी ली है, अभी कल ही डिलीवरी इसकी ली है, एक नेगेटिव भी है भैया मैं बता रहा हूं, नेगेटिव है जैसे मुझे महसूस हुआ इसके हेडरेस्ट बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो जो लोग पीछे बैठते हैं ना उनको आगे देखने में थोड़ा इश्यू होगा। अच्छा, हेडरेस्ट ज्यादा बड़े हैं? हाँ ज्यादा बड़े हैं, वो जो लोग पीछे से आगे देखना चाहते हैं उसके थोड़ा इश्यू होगा। अच्छा अच्छा, वैसे कोई नेगेटिव नहीं, कोई नेगेटिव, और अभी पता लगेगा जब चलाएंगे जी। एग्री। चलो अच्छा रेटिंग की बात करते हैं, आउट ऑफ 10 कितने नंबर देना चाहोगे इस नेक्सा के प्रोडक्ट को? या ये जो अब तक जितना मैंने चलाया है, अभी ज्यादा चलाया नहीं है, ज्यादा यूज में नहीं किया, फिर भी अभी जस्ट कल ही आई है, फिर भी अगर मेरी आप मेरे से पूछोगे 10 में से 9.8 जरूर दूंगा। अच्छा, और माइलेज कंफर्ट है, आप अगर चलाने में देखोगे स्टीयरिंग वगैरह बहुत स्मूथ है, क्योंकि बलेनो जिसने चलाई है ऑलरेडी बलेनो का इंजन है, सबको सेम है जो बेस मॉडल में आता है, बाकी जो 1 लीटर वाला है वो अभी आ ही नहीं रहा है, तो वो भी नॉर्मल मतलब इससे ज्यादा अच्छा पिकअप उसका है। इसके बाद भी कंफर्ट अंदर बैठने का बिल्कुल स्मूथ है, प्राइसिंग में ऑलरेडी मैंने आपको बताया
8-38 में और क्या लोगे आप, वर्थ है गाड़ी, वर्थ है भैया बहुत ज्यादा। अच्छा कोई प्लान कर रहा है तो क्या रिकमेंडेशन है उसके लिए? भैया आंख बंद करके ले लो। मैं ये कहूंगा आप मेरी आंख बंद करके इसलिए लो क्योंकि 3 महीने की रिसर्च है और मैं मतलब गाड़ी ना पूरा बहुत ज्यादा सोच समझ के जिम्नी भी आ रही है और टाटा की भी बहुत सारी गाड़ी आ रही है, आपके आप पंच में भी सीएनजी आ रही है, तो बहुत सारी गाड़ी ने फिर भी आंख बंद करके ली है। चलो यार 3 महीने सर्च करने के बाद। बाकी देखो भैया का चैनल है ऑटो यूनिक नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा और बाकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी शो हो रहे, कोई भी काम कराना है दूर दूर से आते हैं लोग तो आप भी भैया से कॉन्टेक्ट करो, आके मिल सकते हो। अपना एक चैनल हो रहा है किशन तिवारी ब्लॉग करके, जो भाई ना अगर पूरा इसका डिलीवरी से लेके कैसे कॉस्ट कम हुई है क्या क्या चीजें हुए अगर वो देखना चाहता तो उस चैनल पे भी आ जाए, आई हुई है सारी वीडियोस आ जाएगी तो वहां जाके देख सकते हैं। स्पेशली मैंने कौन से इंश्योरेंस लिया, कैसे लिया, उसमें क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई है ताकि हेल्प हो जाए। बहुत सारे बहुत फंडे हैं भैया जो पहली बार या अभी, क्योंकि एक बार गाड़ी लेता है फिर 4-5 साल बाद ही लेता है, तो उसमें ये चीजें जितनी लोगों को जानना है वो मैं उसमें जरूर डालूंगा तो आप जाके उसमें भी चेक कर सकते हो। चलो भाई थैंक यू किशन जी अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका धन्यवाद भैया, आप इतनी दूर से आए हैं और आप जैसे लोगों की वजह से इतने लोगों को नॉलेजेबल सारी चीजें पता लग पाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये थे अपने साथ किशन भाई जिनकी गाड़ी थी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स और ये है अपना सिग्मा वेरिएंट। इसका मैंने कोई डिटेल रिव्यू नहीं किया था, सीधा ओनरशिप आ गया है। मुझे लग रहा है यार फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब होगा क्योंकि ओनरशिप अभी तक इसका नहीं हुआ है, फ्रोंक्स का नहीं हुआ है, नहीं हुआ है भी। तो ये पहला रिव्यू है अपना ओनरशिप, तो आप देखो आपके लिए हेल्पफुल अगर रहे तो भाई कुछ नहीं करना, दोनों भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जो भी प्यार देना वो प्यार दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करनी हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो शेयर भी कर सकते हो, बाकी चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो भाई वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।